Yes, very good morning, students. Today we'll be dealing with another kind of interlocutory order. हमने इसके पहले देखा कमीशन इशू होता है, दैट इज वन काइंड ऑफ द इंटरलोकेटरी ऑर्डर. अनदर काइंड ऑफ द इंटरलोकेटरी ऑर्डर इज अरेस्ट बिफोर जजमेंट. अरेस्ट बिफोर जजमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 38 रूल 1-4 ऑफ सीपीसी. नाउ लेट अस सी इसमें क्या होता है. नाउ जनरली बेटा जनरल रूल हमको इतना पता है कि अगर डिक्री पास होती है किसी पर्सन के अगेंस्ट में और वो डिक्री जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन में जब वो बंदा ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है तब जाके उसको हम अरेस्ट करते हैं. लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जजमेंट होने से पहले भी, यानी जजमेंट डेटर जो है उसके अगेंस्ट में डिक्री पास होने से पहले भी, यानी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन इटसेल्फ, हम क्या करा सकते हैं, जजमेंट डेटर को अरेस्ट करा सकते हैं. अभी तो उसको हम जजमेंट डेटर नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी उसके अगेंस्ट में डिक्री पास नहीं हुई है, बट जिसके भी अगेंस्ट में हमने सूट फाइल किया है वो पर्टिकुलर पर्सन यानी डिपेंडेंट या फिर रिस्पॉन्डेंट जिसे हम बोलते हैं, उसको हम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन भी क्या करा सकते हैं, अरेस्ट करा सकते हैं. अब ये ऐसा पर्पस क्या है इसके पीछे एंड कौन कौन से सिचुएशंस हैं जो कि बेसिकली देखा जाए तो डिपेंडेंट को अरेस्ट करवाती है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे. ठीक है, तो देखेंगे जनरल रूल क्या बोलता है. जनरली क्रेडिटर्स हैविंग अ क्लेम. क्रेडिटर्स मतलब कौन, जिसने यहाँ पे सूट फाइल किया है वो प्लेंटिफ, उसको कुछ सामने वाले से लेना बनता है. उसने सामने वाले को लोन दिया था. सपोज क्रेडिटर मतलब कि जो लोन देने वाला है, उसने लोन दिया था. अब उसका लोन रिकवर करने के लिए उसको क्या फाइल करना पड़ा है, सूट फाइल करना पड़ा है अगेंस्ट अ डेटर. जिसको लोन दिया था उसे क्या कहेंगे, डेटर कहेंगे. तो जनरल रूल क्या बोलता है, अगर क्रेडिटर को डेटर से अपना पैसा वसूल करना है तो उसको सबसे पहले उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में डिक्री ऑब्टेन करनी पड़ेगी, वो डिग्री को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. और वो एग्जीक्यूट करने के बाद में भी अगर मान लीजिए एग्जीक्यूशन के दौरान यदि सामने वाला डेटर पैसा नहीं देता है, हर्डल क्रिएट करता है, तो उसको अरेस्ट करवाना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवाना पड़ेगा, है ना, तभी जाके जो क्रेडिटर है वो अपना पैसा ले पाएगा. दिस इज द जनरल रूल. लेकिन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस या स्पेशल फीचर्स हम बोल सकते हैं ऑर्डर 38 के, वो ऐसे हैं कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्रेडिटर जो है वो डेटर को अरेस्ट करवा सकता है या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकता है इवन बिफोर जजमेंट. ठीक है, अब ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं या सिचुएशंस क्या होती है जिसमें कि क्रेडिटर जजमेंट डेटर या डेटर जिसको हम बोलेंगे स्पेसिफिकली, डेटर को क्या करा सकता है, इवन पासिंग ऑफ द जजमेंट से पहले ही अरेस्ट करवा सकता है. अब ये दिया गया है ऑर्डर 38 रूल 1-4 में. अब रूल 1-4 में क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले बोलता है बेसिकली ये जो ऑर्डर है इसका ऑब्जेक्ट क्या है. इसका ऑब्जेक्ट जो है पर्पज ऐसा है कि जो डिफेंडेंट है वो क्या ना कर पाए, जो एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को डिफीट ना कर पाए, एग्जीक्यूशन में किसी तरीके की हर्डल्स ना लेके आए, ऑब्स्टिकल्स ना लेके आए, है ना. और इसी वजह से डिपेंडेंट को रोकने के लिए हम एहतियात के तौर पे पहले ही कुछ कदम ले लेते हैं. जो कदम हमको बाद में लेने हैं जनरल रूल के तहत वो कदम हम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में पहले ही ले लेते हैं बिफोर पासिंग ऑफ द जजमेंट इटसेल्फ. अब कौन कौन से बेसिकली देखा जाए तो सिचुएशन है कि हम पहले ही उसको अरेस्ट कर लेते हैं अगर हमको ऐसा लगे कि डिक्री जो है उसके अगेंस्ट में पास होने वाली है और उसके चलते ये पर्टिकुलर पर्सन एब्सकॉन्ड हो सकता है, यानी भाग सकता है या फिर लोकल लिमिट ऑफ द कोर्ट को छोड़ सकता है. अगर उसने लोकल लिमिट ऑफ द कोर्ट छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, हमें उसके अगेंस्ट में डिक्री एग्जीक्यूशन करने में तकलीफ जाएगी ना, क्योंकि अभी आप जब तक वो हमारे कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में रहता है तब तक हमारे लिए इजी है. हम किसी पर्सन को भेजेंगे कि जाओ उसको जाके अरेस्ट करके लेके आओ, जाओ उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो, जाओ उसको एग्जीक्यूशन करवा दो, है ना, उसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग फाइल हो जाएगी. लेकिन यदि मान लीजिए ये पर्सन किसी दूसरे कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिस कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में वो है वहां के कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी, उसके बाद में हम इसके अगेंस्ट में किसी भी तरीके का कोई चीज कर पाएंगे. तो इट वुड टेक मच टाइम,
इट वुड बी लाइक मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा, टाइम पे पैसा वापस नहीं मिल पाएगा प्लेंटिव को, या फिर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा ऑर्डर का। तो अगर हमको ऐसा लगे कि वो एब्सकॉन्ड होने वाला है, भागने वाला है, या फिर कोर्ट की टेरिटोरियल लिमिट को छोड़ने वाला है, तो जब इस बात का अंदेशा होगा, जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा इस बात से, तो कोर्ट क्या कर लेगा, इवन पासिंग ऑफ जजमेंट से पहले ही इस डिफेंडेंट को अरेस्ट कर लेगा, ठीक है, या फिर अबाउट टू एब्सकॉन्ड और लीव द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, या फिर भागने वाला है या छोड़ने वाला है। पहली बात, उसने छोड़ दिया है या भाग गया है, दूसरी बात, वो भागने वाला है या छोड़ने वाला है लोकल लिमिट ऑफ द कोर्ट जुरिसडिक्शन, उस सिचुएशन में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कहलाएगा। नेक्स्ट इज हैज डिस्पोज्ड ऑफ और रिमूव्ड फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट हिज प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ। अभी हमको जजमेंट डेटर से पैसे वसूलने हैं, है ना, तो जजमेंट डेटर से जब हमको पैसे वसूलने हैं तो क्या होगा, एक तरीके से देखा जाए तो हमको, बिकॉज सिविल में तो हमारा पर्पस उसको अरेस्ट करना नहीं होता है, उसको अरेस्ट कर देने से हमें हमारा पैसा कैसा मिलेगा, वो तो हम कुछ सर्कमस्टेंसेस में ही उसको अरेस्ट कराते हैं ना। नॉर्मली तो हमारा पर्पस क्या होता है कि भैया हमें हमारा पैसा मिल गया, अब हमें आपके अगेंस्ट में कोई ग्रेवियंस नहीं है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिविल कोड, सिविल प्रोसीजर। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो वो हमको ऐसा डर लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा, जिसके भरोसे हम हमारी डिग्री का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। कल अगर डिग्री हमारे फेवर में पास हो गई तो हमें उस डिग्री को एग्जीक्यूशन करने के लिए उसकी कोई प्रॉपर्टी चाहिए, जिसको हम अटैच करा दें, ऑक्शन करा दें, सेल करा दें और अपना पैसा रिकवर कर लें। लेकिन हमको ऐसा लगता है अभी कि डिग्री तो पास होने को समय है, जजमेंट पास होने को समय है, बट उससे पहले ये जो आदमी है डिफेंडेंट, ये क्या कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है या रिमूव कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी जो कि कोर्ट के टेरिटोरियल लोकल ज्यूरिसडिक्शन में आती है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर इस कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो जिस भी कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में है उस कोर्ट से हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको कमीशन इशू करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि अच्छा आप वहां पे जाके उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन करो, और अकॉर्डिंगली वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, फिर जाके, मतलब इट वुड बी अ लॉन्ग प्रोसेस। तो अगर हमको ऐसा डर है कि ये पर्टिकुलर पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, किसी और को बेच देगा या फिर रिमूव कर देगा कोर्ट के टेरिटोरियल लोकल ज्यूरिसडिक्शन में से पूरी की पूरी या फिर पार्ट, जिसकी वजह से कल अगर मानो डिग्री हमारे फेवर में पास हो भी गई तो भी उसका एग्जीक्यूशन हम नहीं कर पाएंगे, या कर भी पाए तो पूरा पैसा वसूल नहीं पाएंगे। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन लगती है, देन इन दैट केस भी हम क्या कर सकते हैं, जो डेटर है उसको अरेस्ट करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में, दैट द डिपेंडेंट इज अबाउट टू लिव इंडिया, अगर मान लीजिए वो इंडिया ही छोड़ने वाला है, देन इन दैट केस अगर ऐसा भी हमको अंदेशा होता है कि ये तो इंडिया ही छोड़ के चले जाएगा, अगर ये इंडिया ही छोड़ के चले गया तो अगेन इट वुड बी अ ग्रेट डिफिकल्टी, हमको फॉरेन कोर्ट के थ्रू समन्स इशू करने पड़ेंगे, फॉरेन कोर्ट के थ्रू कमी हमको यहाँ से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, इस तरीके से इट वुड बी अ ग्रेटर टास्क, तो उसमें काफी समय जाएगा, काफी पैसा जाएगा। तो इस वजह से भी देखा जाए तो हम ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कंसिडर करेंगे कि अगर डिपेंडेंट जो है वो इंडिया छोड़ने वाला है या छोड़ सकता है, ऐसी हमको अंदेशा है, तो हम क्या करेंगे, जजमेंट पास होने से पहले ही कोर्ट को सेटिस्फाई कर देंगे कि भाई इसको अरेस्ट करना इम्पोर्टेंट है या इसको अरेस्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट इज रीजनेबल प्रोबेबिलिटी होना जरूरी है ना। तो इस सर्कमस्टेंसेस, ये जो बेसिकली ऑर्डर है इसमें जो रूल्स बताए गए हैं उसके तहत सर्कमस्टेंसेस ऐसे होने चाहिए जो कि कोर्ट को भी रीजनेबल प्रोबेबिलिटी दे, प्लेंटिव को भी रीजनेबल प्रोबेबिलिटी दे, ठीक है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस अफोर्डिंग रीजनेबल प्रोबेबिलिटी दैट प्लेंटिव विल और मे देयर बाय बी ऑब्स्ट्रक्टेड और डिलेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री दैट मे बी पास अगेंस्ट द डिफेंडेंट इन द सूट, द कोर्ट मे इशू अ वॉरंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट फर्निश अ सिक्योरिटी फॉर हिज अश्योरेंस। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो प्लेंटिव जो है उसको प्रोबेबिलिटी लगती है, खूब सारे चांसेस लगते हैं कि डिफेंडेंट जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा या एग्जीक्यूशन में डिले करेगा, जो भी डिग्री डिफेंडेंट के अगेंस्ट में पास होगी और प्लेंटिव के फेवर में पास होगी, उस डिग्री को एग्जीक्यूशन करने में डिले कॉज करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट कॉज करेगा। तो इस वजह से जो प्लेंटिव है वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे, अकॉर्डिंगली कोर्ट सेटिस्फाई हो जाने के बाद में वारंट इशू करेगा कि डिफेंडेंट को अरेस्ट कर लिया जाए, कोर्ट के सामने लाया जाए, और अरेस्ट करने के बाद में उसको बोला जाएगा कि आप क्या करो, सिक्योरिटी फर्निश करो,
आप क्या करो, सिक्योरिटी फर्निश करो। किस बात के लिए? कि आप कोर्ट का टेरिटोरियल लिमिट छोड़ के नहीं जाएंगे, आप यहाँ से प्रॉपर्टी जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, आप एब्सकॉन्ड नहीं करेंगे, आप इंडिया लिमिट छोड़ के नहीं जाएंगे। इस तरीके से इनमें से किसी एक बात को लेके कोर्ट उससे क्या करा सकता है, फर्निश करा सकता है सिक्योरिटी। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी का अमाउंट कितना रहेगा? तो ये सिक्योरिटी का जो अमाउंट होता है, जितना प्लेंटिफ का क्लेम है, क्या है, जितना प्लेंटिफ का क्लेम है उतना इक्वलेंट अमाउंट जो है ये सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है, ताकि अगर कल मान लीजिए डिफेंडेंट चला भी जाता है, बट यदि उसने सिक्योरिटी फर्निश की है तो उस सिक्योरिटी से हम प्लेंटिफ का क्लेम सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफेंडेंट जो है वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी है जहां डिफेंडेंट अरेस्ट नहीं किया जाएगा, यानी ऑर्डर हो गया उसको अरेस्ट कर लो। ठीक है, अब पुलिस गई अरेस्ट करने के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफिसर जो है वो गया अरेस्ट करने के लिए, लेकिन यदि सपोज घर जाने के बाद में डिफेंडेंट जो है उसको क्या दे देता है, पैसे दे देता है कि ले लो ले लो ले लो, मुझे मत अरेस्ट करो, देन इन दैट केस डेफिनेटली जो पुलिस ऑफिसर है या फिर जो एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट का आदमी आया है वो उसको अरेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इफ ही पेस टू द ऑफिसर एंट्रस्टेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, यानी कोर्ट ने जिस वो ऑफिसर को भेजा है कि ये लो अरेस्ट कर लो, इसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर लो और जाके उस बंदे को अरेस्ट करके लेके आओ, तो इफ ही पेस टू द ऑफिसर एंट्रस्टेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट जो सम स्पेसिफाइड किया गया है वारंट में, यानी वारंट में बताया जाएगा इतने पैसे वसूलने हैं डिपेंडेंट से और इतने पैसे जो हैं प्लेंटिफ के क्लेम को सेटिस्फाई करते हैं, यदि डिफेंडेंट ये पैसे जो हैं कॉप को दे देता है, यानी कि पुलिस ऑफिसर को दे देता है या फिर जो एग्जीक्यूशन के लिए आया है कोर्ट का आदमी उसको दे देता है, देन इन दैट केस डिफेंडेंट जो है उसको हम अरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस तो सॉल्व हो गया और जो प्लेंटिफ का क्लेम है वो तो रिकवर हो गया, तो हमारा पर्पस उसको जेल में भेजना है क्या डिफेंडेंट को? नहीं, हमारा पर्पस तो अपने पैसे रिकवर करना है, तो हमारे पैसे रिकवर हो गए तो अब हम डिपेंडेंट को क्या नहीं करेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे। नाउ डिपेंडेंट जो है उसको अरेस्ट किया जाए, इस बात का एप्लीकेशन कौन करता है? तो डेफिनेटली जो एप्लीकेशन है फॉर द अरेस्ट है ये प्लेंटिफ के द्वारा किया जाएगा, है ना, किसी भी समय में किया जा सकता है, आफ्टर द प्लेंट इज फाइल्ड बिफोर द कोर्ट, आफ्टर द प्लेंट इज फाइल्ड बिफोर द कोर्ट किसी भी समय में किया जा सकता है, यहाँ तक कि डिफेंडेंट को सर्विस ऑफ समन्स होने से पहले भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर हमको ऐसा लगे कि प्लेंटिव जो है उसको पता चल जाएगा कि डिफेंडेंट जो है उसको पता चल जाएगा कि भाई उसके अगेंस्ट में सूट फाइल किया है, तो हो सकता है वो आगे का प्लेंटिव प्रोसेस करे, उसके पहले ही डिफेंडेंट भाग जाए, उसके पहले ही डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दे, है ना। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए प्लेंटिव के पास में एक ऑप्शन ऐसा है कि वो जैसे ही प्लेंट फाइल करेगा, जैसे ही कोर्ट में सूट फाइल करेगा, तो उसके बाद में उसको क्या करना पड़ता है, 7 डेज के अंदर सर्विस ऑफ समन्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है ना, प्लेंटिव को 7 दिन के अंदर सर्विस ऑफ समन्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ताकि डिफेंडेंट जो है उसको सर्विस ऑफ समन्स हो सके, उसको बुलाया जाके जा सके आंसर करने के लिए। लेकिन जो प्लेंटिफ है वो क्या कर सकता है, सर्विस ऑफ समन से पहले भी अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट का एप्लीकेशन कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज बिफोर इशूइंग द ऑर्डर फॉर अरेस्ट, बिफोर जजमेंट कोर्ट जो है उसने ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेनी चाहिए अपने आप को, यानी हमने तो एज अ प्लेंटिफ कोर्ट के सामने एप्लीकेशन कर दिया कि भाई अरेस्ट कर लो डेटर को, लेकिन जो कोर्ट है वो किसी भी पर्सन को यानी डेटर को अरेस्ट करने से पहले, यानी डिपेंडेंट को अरेस्ट करने से पहले देखा जाए तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं ये वेरीफाई कर लेगा। अब पहली क्या कंडीशन है, कि जो प्लेंटिफ का सूट है वो बोनाफाइड है, ठीक है, उसका जो कॉज ऑफ एक्शन उसके पास में अवेलेबल है वो प्राइमा फेसी अनपीचिएबल है, सब्जेक्ट टू हिज प्रूविंग द एलिगेशन इन द प्लेन, प्रोवाइडेड वो कल जाके अपने प्लेंट में जो एलिगेशन लगाए हैं उसको प्रूफ कर पाएगा, ऐसा कोर्ट को रिकॉर्ड देख के समझ में आता है। दूसरी बात ऐसा है कि कोर्ट के पास में भी रीजन रहना चाहिए, एडुकेट मटेरियल रहना चाहिए कि जो डिफेंडेंट है वो डेफिनेटली कुछ इस तरीके का है कि वो रिमूव कर सकता है अपने आप को या उसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से, इसीलिए कोर्ट ने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एक्सरसाइज करते हुए देखा जाए तो जजमेंट से पहले डिफेंडेंट को अरेस्ट करना बनता है, ऐसी सिचुएशन है कोर्ट को लगता है, देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो बिफोर पासिंग ऑफ द जजमेंट भी डिफेंडेंट को क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है।
नाउ व्हाट इफ अगर डिफेंडेंट जो है उसको जब पकड़ने के लिए आया पुलिस ऑफिसर या एग्जीक्यूशन करने के लिए या फिर कोर्ट में जब बेसिकली उसको बुलाया जाता है कि इसको आपको फर्निश करो सिक्योरिटी फॉर योर अपीयरेंस, अगर वो फेल हो गया सपोज डिफेंडेंट, तो क्या होगा? कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगा उसको कि डिपॉजिट करो कोर्ट में मनी प्रॉपर्टी जो कि सफिशियंट है आंसर करने के लिए प्लेंटिफ के क्लेम को जो प्लेंटिफ ने उसके अगेंस्ट में किया है, ठीक है। दूसरी बात, टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एट एनी टाइम व्हेन कॉल अपॉन, और फर्निश करे वो सिक्योरिटी उसके अपीयरेंस के लिए जब कभी भी उसको बुलाया जाएगा वो हाजिर होगा, इस बात को श्योर करने के लिए वो सिक्योरिटी फर्निश करें। लेकिन यदि सपोज अगर वो फेल हो जाता है प्रोड्यूस करने के लिए सिक्योरिटी, है ना, देन इन दैट केस क्या होगा? तो ये बोलता है व्हाट इफ द डिफेंडेंट फेल टू प्रोड्यूस सिक्योरिटी और हैज फेल टू प्रोड्यूस सिक्योरिटी आफ्टर अर्लियर सिक्योरिटी वर डिस्चार्ज, यानी कि जो सिक्योरिटी फर्निश की जाएगी वो कुछ समय के लिए होगी, उसके बाद में उसको फिर से अगर मान लीजिए मैटर और लंबा चलता है तो उसको फ्रेश सिक्योरिटी भरनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए वो फेल हो जाता है तो कोर्ट उसको क्या करेगा, सिविल प्रिजन में भेज देगा। कब तक भेज देगा? जब तक कि सूट का डिसीजन नहीं हो जाता। और अगर मान लीजिए डिक्री उसके अगेंस्ट में पास हो गई है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में डिक्री पास हो गई है यानी डिफेंडेंट आरोपी ही पाया गया है, देन इन दैट केस जब तक कि उसके अगेंस्ट में पास हुई डिक्री सेटिस्फाई नहीं हो जाती यानी उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर देते, डिक्री पास होने के बाद में क्या करना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो जब तक डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो जाती फुल्ली तब तक उसको हम क्या करेंगे, सिविल प्रिजन में डाल देंगे। तो स्टूडेंट्स,